हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष। लोग मेरे से अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आप ये सेमिनार्स क्यों करते हो, आप ये वीडियोस क्यों बनाते हो। आज मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि हमारे अंदर अथाह ऊर्जा और अनंत शक्ति छिपी है, लेकिन हम इन ऊर्जाओं का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम कहीं घूमने जाएं, खाना खाएं, एक अच्छा रोजगार प्राप्त करें, उसी तरह से हर एक इंसान के अंदर एक डिज़ायर है, एक बर्निंग डिज़ायर है कि वो महानता के आकाश को छुए। और हमारे अंदर वो सारी शक्तियाँ भी हैं जिससे कि हम महान बन सकें। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं तो फिर हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इसका जवाब मैं कहानी से देना चाहूँगा। 10 साल पहले की बात है, मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था। मेरे सामने के बर्थ पे एक 60 साल के सज्जन बैठे थे। उनको कुछ व्यापार का काम होगा, इसके कारण कुछ जोड़ घटाव करना था, तो उन्होंने अपने जेब से एक पर्चा निकाला और जोड़ घटाव करने में मशगूल हो गए। 15-20 मिनट की कशमकश के बाद अचानक एक लड़के ने कहा, अंकल जी, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? उन्होंने कहा, ठीक है बेटा। उस लड़के ने कहा, अंकल अपना मोबाइल दिखाओ। जैसे ही उस बुज़ुर्ग ने अपना मोबाइल दिखाया, उस लड़के ने 2 मिनट में वो सारा काम कर दिया जिसके पीछे वो 15-20 मिनट से लगे थे और आगे भी लगे रहते। अब लोगों ने ये सवाल पूछा कि जब आपके पास कैलकुलेटर था तो आपने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे पहले तो इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आता ही नहीं था, और दूसरी बात कि मेरे पास ये कैलकुलेटर है या नहीं मुझे ये भी पता नहीं था। और दोस्तों, यही स्थिति आज हमारे साथ है। हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, परंतु हमें इसका आभास तक नहीं है। क्या आपको पता है कि हमारे अंदर ये एनर्जी है, हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम किसी भी तरह के रोज़गार को ढूंढ सकें और किसी भी व्यवसाय में तरक्की कर सकें, लेकिन हम इस शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं करते। हमारे अंदर ये ऊर्जा है जिसके सहारे कि हम किसी भी तरह के रिश्ते का निर्माण कर सकते हैं और किसी भी तरह के लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जिस समय परमात्मा ने हमारे शरीर का निर्माण किया था, उसी समय हमारे अंदर महानता के बीज भी डाल दिए थे। चाहे आप किसी भी महान पुरुष को ले लो, वो महात्मा गांधी हो सकते हैं, वो मार्टिन लूथर किंग हो सकते हैं, या फिर कोई और एग्जाम्पल। इन लोगों ने अपने अंदर महानता के उस बीज को पहचाना, उसको पौधे में तब्दील किया और फिर उसको एक वृक्ष बना दिया, और उस वृक्ष की छाया में हजारों लोग महानता के शिखर पे चढ़ने लगे। अगर आप ये चाहते हो कि आप एक मेडियोकर लाइफ जियो, एक साधारण सी जिंदगी जियो जिसमें कि रोटी कपड़ा मकान और थोड़ी सी उठा पटक हो, फिर तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका नाम भी इस विश्व में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो, आपके जाने के बाद भी लोग आपके संदेश को और आपको याद करें, आपको मिस करें, तो फिर आपको अपने अंदर की इस अनंत ऊर्जा को, अनंत शक्ति को जगाना ही पड़ेगा, इस्तेमाल करना सीखना ही पड़ेगा, और तो और आपको महान बनना ही पड़ेगा। दोस्तों, मेरे ये वीडियो, मेरे ये संदेश, ये प्रयास हैं कि आपको याद दिला सकूं कि आप महान हैं और आप अपनी महानता को क्लेम करना शुरू करें। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा संदेश आप तक रेगुलर पहुंचता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस संदेश को उन लोगों को भी शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, ये जीवन अमूल्य है और आपके अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। जब भी आप इसको यूज करना शुरू करते हैं, आप महानता के लिए पहला कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद आपको महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू।